आज का जो ऑपरेशन था सुबह के करीब, हमें ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसके अंदर हम अकेले ही नहीं थे, हमारी जो आगे एलसी की फॉर्मेशंस हैं वो पुलिस और भी जो इंट एजेंसीज हैं वो काफ़ी लोग इसके अंदर लगे हुए थे। तो आज सुबह के करीब हमें खबर मिली कि इस पर्टिकुलर घर के अंदर हो सकते हैं मिलिटेंट हैं, तो उस तहत हमने कॉर्डन लगाया सुबह सुबह करीब 5 बजे के करीब कॉर्डन लग गया था अजान होने से पहले। 7-7.5 बजे हमने सरपंच को बुलाया और उनको बोला कि चेक करवाएं, तो जब वो गए तो मैं यही कहूँगा कि आवाम ने काफ़ी कोऑपरेशन दिया है। इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने बताया कि हाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हमने वहाँ पे दरख्वास्त करी जो लोग थे अंदर कि आप बाहर आ जाइए और जो मिलिटेंट हैं आप सरेंडर कर दें अगर हैं तो। तो जैसे ही हमने ये बताया तो उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया, जब फायर किया तो ये यकीन हो गया कि अंदर मिलिटेंट है और हमारी जवाबी कार्रवाई के अंदर हमने फिर 3 ये मिलिटेंट को मार गिराया। रही बात इनकी शनाख्त और वो जो आप है ये, क्योंकि पहले से हम इस ग्रुप को ट्रैक कर रहे थे, ट्रैक इस तरीके से कि हमें इसकी खबर आ रही थी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये लश्कर के 3 विदेशी आतंकवादी हैं जो आज ढेर हुए हैं। और दूसरा, उसके बाद पुलिस और बाकी जो लोग गांव के लोग हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि आज इस पूरे ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने अपना पीसफुल हालत रखे, एंड उसके लिए भी मैं उनके शुक्रगुजार हूँ।